हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइस, अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ क्योंकि बेबी सो रही है, तो मेरे को तभी टाइम मिलता है शावर लेने का जब वो या तो मम्मी उसको हैंडल कर रही होती है या वो सो रही होती है। फिलहाल मम्मा और बेबी दोनों ही सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट शावर ले लेती हूँ। तो अभी पर शावर लेके आई हूँ और मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। सो अभी रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब। तालियाना साहिब है हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा, वहाँ पर मत्था टेकने, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको 10 दिन हो गए आए हुए। और 10 दिन हुए, आज क्या है 12 ना, मतलब 7-8 दिन हो गए हैं तो मत्था टेकने नहीं गए हैं। तो मम्मा ने कहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं बेबी का मत्था वगैरह टिका लाते हैं, तो 6:30 निकलेंगे क्योंकि अभी धूप है बहुत ज़्यादा बाहर, तो अभी तो नहीं जा रहे बट 6:30 जाएंगे मत्था टेकने। तो मैंने सोचा अभी रेडी हो रही हूँ तो साथ साथ ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का सेपरेटली मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अभी मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग फ्लैट कि रायकोट में क्या हाल है, पटियाला में क्या हाल है, बब्बू चाचा सेफ हैं, हम लोग सेफ हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी का अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। नहाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि नहाने के बाद भी बहुत स्वेटिंग आती है, जैसे कि मुझे भी आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है नहाने का। मैंने सोचा पहले अच्छे से बाल बाल ड्राई कर लेती हूँ, कोम वोम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शालिन के बाद भी स्वेटिंग आ रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, फ़ैन ऑफ कर रखा है क्योंकि आपको फिर मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगी। सो मैं कह रही थी कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग फ्लड की क्या सिचुएशन है रायकोट की या पटियाला की, बब्बू चाचा सेफ हैं, आप लोग सेफ हैं, विकी कंचन भी गए हैं जीरकपुर, क्या वो लोग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बब्बू चाचा भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं। रायकोट में तो पानी नहीं आया है बिल्कुल भी, वो पूरा अभी भी ड्राई है क्योंकि यहाँ पर हार्डली एक दिन ही बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी नहीं आया है। अगर कंटिन्यू 2-3 दिन रहती बारिश तो यहाँ भी पानी आ जाता, बट यहाँ पर नहीं आया क्योंकि बारिश इतनी नहीं हुई रायकोट में। बट हाँ, पटियाला की सिचुएशन काफ़ी अनसेफ है, इवन पंजाब के काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी पानी आ गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है यार। वीडियोज़ देखती हूँ फ़ोन पे या टीवी पे, जानवर बेचारे पानी में तैर रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के घर के अंदर 8-8 फुट पानी आ गया है। मैं आज ना एक वीडियो देख रही थी, मतलब काफ़ी इमोशनल वीडियो थी, एक बुज़ुर्ग की थी, तो वो बता रहे थे कि 11 जुलाई 93 में फ्लड आया था जिसमें उनका घर टूट गया था, और दोबारा 11 जुलाई 2023 में दोबारा फ्लड आया है और उनका घर दोबारा टूट गया है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे। ऑब्वियसली अगर आपका घर वगैरह डूब जाए तो कोई भी इमोशनल होगा, तो ऑब्वियसली यार इतने मेहनत से आप अपना घर बनाते हो और एकदम से तबाह हो जाए, तो वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या बीतती है उस इंसान के ऊपर, और जिनके साथ बीती होगी वही समझ सकते हैं। तो वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी, देखी नहीं जा रही थी, जानवर पूरे पानी में बह गए थे, एक बेचारा आई थिंक लड़का था, पता नहीं कौन था, अपनी जॉब से आ रहा था, अपनी ना जॉब से आ रहा था शायद, वो भी पानी में विद अपनी मोटरसाइकिल बह गया। बहुत नुकसान हुआ है, मतलब देखा नहीं जा रहा है। इवन पटियाला में भी हमारे घर में भी पानी घुस गया था, हमारा जो रूम है वहाँ तक आ गया था, बेड तक नहीं पहुँचा था, मतलब बढ़ रहा था पानी का जो लेवल था, घर के अंदर आ चुका था, किचन भर गया था, पीछे का जो एरिया वो भी थोड़ा सा भर गया था, बट बाय गॉड ग्रेस ना बारिश रुक गई जिसकी वजह से पानी ज़्यादा नहीं आया अंदर। अगर कंटिन्यू ये बारिश 3-4 दिन रहती ना तो हमारे घर में भी पानी आ जाता। वो ये भी बब्बू चाचा से पूछा है, वो सेफ है, उन्होंने सारा जो भी सामान था नीचे पड़ा हुआ था वो सारा उठा के बेड के ऊपर रख दिया था, क्योंकि पानी अभी उस लेवल पे नहीं आया था कि ज़्यादा नुकसान हुए। जो नीचे नीचे चुटपुट था, कारपेट होगी, वो सारा बब्बू चाचा ने पहले, मैंने एक्चुअली फ़ोन कर दिया था बब्बू चाचा को, बब्बू चाचा अगर कोई नीचे सामान है ना तो वो उठा के रख देना, कारपेट हो गया है सारा, ताकि अगर पानी आए भी तो ख़राब ना हो, बट अगर ज़्यादा पानी आएगा तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बेड बेड तक पहुँच गया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका, तो बेड उठा के तो कहीं लेके नहीं जा सकते हम। तो बब्बू चाचा जी ठीक है, बट बब्बू चाचा जी के एक फ्रेंड हैं जो अर्बन स्टेट रहते थे, उनके घर में 8-8 फुट पानी भर गया है, तो उनकी जो फैमिली है वो हमारे घर पे रुकी हुई है, उनकी 3 साल की बेटी है, दादी हैं और
अंकल और उनकी वाइफ खुद है। अंकल तो नहीं रुके हैं घर पे, अंकल तो नहीं रुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना घर छोड़ के नहीं रुक सकते। इस टाइम पे ना लूट भी बहुत मची हुई है, घर भी लूटे जा रहे हैं। अगर आप पूरा अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओगे तो अंकल जो है वो अपने घर पे रुके हुए हैं, जहाँ पर 8 फुट पानी है वहाँ पर रुके हुए हैं, जस्ट टू टेक केयर कि कोई घर में घुसे ना और सामान वगैरह हमारा कोई लूट के ना लेके जाए। बट उनकी जो फैमिली है वो हमारे घर पर रुकी हुई है। तो वही मेरी आज सुबह बाबू चाचा से बात हुई थी, मुझे नहीं पता था ये सब हुआ है, वो तो मुझे चाचू ने आज सुबह बताया कि ऐसे ऐसे करके फैमिली जो है वो घर पे रुकी हुई है। जितने भी हो सके हम हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, बट यही है कि जो नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं है। बट आगे आई होप यही है कि भगवान को प्रे की अब आगे किसी का नुकसान ना हो, बहुत नुकसान हो गया है। HP में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, शुक्र है कि बारिश रुक गई यार। अगर बारिश नहीं रुकती तो बहुत बुरा हाल हो जाता। वो ये है कि मैं आप मम्मी पापा वही बात कर रहे थे, अगर कंटिन्यू 3-4 दिन बारिश रहती ना तो जो ये भांगड़ा नहर है शायद उसको भी खोलना पड़ जाता, तो सारा पानी पानी हो जाता पूरे पंजाब में। तो शुक्र है कि बारिश रुक चुकी है। और चेरी भी ठीक है, निश्चय की फैमिली सारी ठीक है, क्योंकि घग्गर नदी आई थिंक वो टूट गई थी, पता नहीं उसको खोला गया है कि ओवरफ्लो हो गया था पानी, उसकी वजह से अम्बाला में पानी पूरा भर गया था। चेरी के घर के बाहर भी मतलब पानी आ गया था, घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आया था, मैंने चेरी को कॉल किया था। पप्पी बुआ भी ठीक है, पप्पी बुआ का जो घर है वो थोड़ा सा ऊँचाई पर है तो पानी घर पर तो नहीं आया, पर उनकी जो गली है वो सारी पानी में डूबी हुई है तो वो भी ठीक है। और हमारी जो अम्बाला में दूसरी बुआ है सरोज बुआ, उनका नीचे का फ्लोर सारा पानी में है, उन्होंने टेनेंट रखे हुए थे, वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं जब तक पानी नहीं उसका लेवल कम होता या नहीं सूखता। तो काफ़ी नुकसान तो हमारे खुद के रिलेटिव्स में ही हुआ है, क्या कर सकते हैं, अब ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो कुदरत की तरफ से ही हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट यही है कि बेचारे जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर टूटे हैं, कि जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, बस उनको थोड़ी सहन शक्ति दे, हम सिर्फ बोल सकते हैं। बट जिनके साथ बीती है वो वही जान सकते हैं, पति है कि हम उनको बोल के थोड़ी सी सहानुभूति दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि 3-4 दिन से बस न्यूज़ में भी वही देख रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं सब लोगों के कि तुम लोग सेफ हो, तुम लोग सेफ हो। फैमिली मेम्बर मेरे जितने भी सारे सेफ हैं, एंड आई होप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, HP में है या जहाँ भी है जहाँ पर ये फ्लड आए हैं, आई होप वो सब सेफ हो, उनकी फैमिली सारी सेफ हो, बस मैं यही बोल सकती हूँ। और तो शब्द नहीं है मेरे क्योंकि वीडियोस देख देख के सच में बहुत मन खराब होता है। सो, मैं सोने की कोशिश कर रही थी बट नींद नहीं आ रही है, बेबी सो रही है। मम्मा कहती जब बेबी सो जाए तो तुम भी साथ में सो जाया करो और जब वो उठे तो तुम उठ जाया करो, पर ये पॉसिबल नहीं है कि जब बेबी सो तो मुझे भी तभी नींद आए। बहुत कोशिश की कि सो जाऊं बट नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूं और मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैंने लंच आज बहुत जल्दी कर लिया था, लंच यार 11-12 बजे कर लिया था। हाँ, उसके बाद मैंने पोहा खाया थोड़ा सा। सो अभी फिर से भूख लग गई है, अभी चाय बनाती हूँ, चाय के साथ कुछ खाऊंगी क्योंकि नींद तो अभी आ नहीं रही है। मेरा बच्चा आराम से सो रहा है, मम्मी भी सो रही है, और आज है प्लान गुरुद्वारा साहिब जाने का, बट यही है कि मम्मा उठेगी तो हम लोग 6:30 तक निकलेंगे, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि कल चली जाऊँ क्योंकि कल शायद विक्की भी आ जाएंगे यहाँ पर। सो कन्फर्म नहीं है बट लेट्स सी, अगर भाई आ जाएगा तो विक्की भी चला जाएगा मेरे साथ गुरुद्वारा साहिब, तो शाम को कन्फर्म होगा कि वो कल आ रहा है या परसों आ रहा है। अगर वो कल नहीं आएगा तो फिर अभी जाएंगे मत्था टेकने के लिए, अगर वो आएगा कल तो फिर कल जाएंगे। तो फटाफट बनाती हूँ चाय। और यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है घर की, मतलब आप लोगों के घर में भी क्या पानी वगैरह घुसा है, आप लोग ठीक हो, सेफ हो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि लास्ट 2-3 डेज से लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, ठीक हो और कहाँ से बिलोंग करते हो और कहाँ कहाँ पानी आ रखा है, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा पता चलेगा अभी क्या सिचुएशन है। बाकी न्यूज़ वगैरह में तो पता चल ही रहा है, पर कई बार क्या होता है ना, न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके दिखा देते हैं तो डर लगता है। जैसे बॉम्बे में बोलते हैं कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, इतना पानी आ गया है कि गाड़ियाँ डूब गई, ये हो गई हैं। जब मैंने रोशनी को फ़ोन किया कि क्या सिचुएशन है या अभी से पूछा तो कहते नॉर्मल है, या नॉर्मल बारिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार ना न्यूज़
में भी बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं तो डर सा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और मैं अभी जा रही हूँ चाय वगैरह बनाने।